अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने मेरे एक कैबेज का पौधा लगा हुआ है, बंद गोभी जिसे हम कहते हैं। तो ये मैंने एक 12 इंच बाय 12 इंच के ग्रो बैग में 3 प्लांट्स लगाए थे। हालांकि एक प्लांट काफ़ी था एक ग्रो बैग के लिए, मगर मेरे पास जगह की कमी थी और मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको कर लिया। और उसी के साथ साथ ही मैंने ब्रोकली के भी 3 पौधे लगाए हुए हैं, वो भी 12 इंच बाय 12 इंच के ग्रो बैग में। ये भी ज़्यादा है, एक होना चाहिए था, मगर आप देख सकते हैं कि इनके हेड तैयार हैं। कुछ ज़्यादा बड़े तो हेड नहीं बने, मगर तैयार हो चुके हैं इनके हेड। इनका चेक करने का तरीका ये है कि आप इनको प्रेस करके देखेंगे, अगर ये सख्त हो गए हैं तो इसका मतलब आपको ये हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर ये प्रेस हो रहे हैं, जैसे कि अभी ये छोटा है, इसके साथ ही ये अभी इसमें नरम है, तो इसका मतलब अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा मेच्योर होने में, मगर ये वाला जो है वो तैयार हो चुका है। इसी के साथ साथ ब्रोकली के अंदर भी हम यही देखेंगे कि ब्रोकली में ये जो इसके जो बड निकल रहा है और इसका जो हेड बन रहा है, अगर ये सॉरी मैं इसको ज़रा फोकस कर लूँ जी, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो इसका हेड बन रहा है, हेड के अंदर आप देखें कि येलो 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 इसके बड जो हैं वो ये जो हैं फूल खिलना शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये तैयार है और हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकली की मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर ब्रोकली को क्या है कि ब्रोकली को अगर आप इसका हेड सिर्फ यहाँ से काट देंगे तो आपको ब्रोकली तो मिल जाएगी, मगर उसके बाद जो है आप इसको वापस रख सकते हैं, ये साइड से और शूट्स निकालेगा और आपको 1-2 हफ्ते के अंदर और ब्रोकली मिल जाएगी। मगर जो कैबेज के लिए यही होता है कि कैबेज एक पौधे में एक ही कैबेज लगती है ज़्यादातर। कुछ वैरायटीज़ आती हैं जिनमें और भी निकल आती हैं, मगर वो ज़्यादा कामयाब नहीं होती। तो इसको तो हम बिल्कुल जड़ से ही काट देंगे और इसका जो है ब्रोकली का हम सिर्फ यहाँ से हेड काटेंगे। तो मैं जिस नहीं अभी ये हेड काटता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में आगे चल के जी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो कैबेज जो है, जो मेरी हार्वेस्ट हुई है, वो इस साइज़ की है और इसको बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बढ़िया ईजीली लग जाती है, ज़्यादा इस पर कीड़ा भी अटैक नहीं करता और ना ही मैंने इस पर कोई स्प्रे ऐसा करने की कोशिश की है, ना ही मैंने कोई नीम ऑयल ऑर्गेनिक स्प्रे भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस ये है कि इसको धूप की ज़रूरत होती है और ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। ये ब्रोकली के भी मुझे 2 फूल हासिल हुए हैं और जैसे आप देख सकते हैं इन्हें हम सैलेड में खा सकते हैं, फ्राई करके भी खा सकते हैं, सूप में भी डाल के खा सकते हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है। और इसी तरह ये कैबेज भी। तो जो भी है, मेरे पास ये रिज़ल्ट आया है, एक ग्रो बैग के अंदर 12 बाय 12 के अंदर 3 पौधे लगाए हुए थे फिर भी मुझे ऐसी हार्वेस्ट मिली, तो बहुत ही अच्छी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो इस दफ़ा मैंने ज़्यादा टमाटर लगाए थे, तो अगली दफ़ा मैं टमाटरों को थोड़ा कम करके तो इन वाली सब्ज़ियों पे भी जाऊंगा, तो फिर मैं इनको अच्छी जगह भी दूंगा तो ये इंशाल्लाह अच्छा ग्रो भी करेंगे और हम लोगों को अच्छी पैदावार भी मिलेगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। और आप भी कोशिश कीजिए कि आप घर में ये सब्ज़ियाँ उगाएं, बहुत ही ईजीली उग जाती हैं और थोड़ी सी एफर्ट चाहिए होती है। बाकी ये बड़ी एक अच्छी हॉबी है, आपको फिज़िकली भी एक्टिव रखती है और हर तरह का स्ट्रेस एंजाइटी जो आप थके हुए होते हैं अपने बाकी कामों से, उससे आपको गैप मिलता है और आपके लिए एक बेहतरीन फिज़िकल एक्टिविटी भी है और हॉबी भी है। आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे, जब आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तो फिर आपको बहुत ही खुशी मिलती है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ इस वीडियो से, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।